दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन से अपने यूट्यूब चैनल का बॉस टाइम कैसे चेक कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, काफी लोग पता नहीं किस तरीके से बॉस टाइम चेक करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया बाइटी स्टूडियो मेरा इतना बॉस टाइम दिख रहा है लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए तो वो दिख ही नहीं रहता, या मेरे 4-5 घंटे का बॉस टाइम हो गया बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन में लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आया है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप सही तरीके से YT Studio एप्लीकेशन से अपने YouTube चैनल का बॉस टाइम किस तरीके से चेक कर सकते हैं मोनेटाइजेशन वाला बॉस टाइम, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर आपका चैनल 2 साल पुराना है तो पूरे 2 साल में जितना बॉस टाइम कंप्लीट हुआ वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है, मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ लास्ट 1 ईयर का बॉस टाइम काउंट होता है। तो कहें तो लास्ट 365 डेज का बॉस टाइम आप किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो का एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको YT Studio एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ऊपर 3 लाइन आ रही है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच टाइम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर लास्ट 28 डेज लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद एक्चुअल में आप लोग करते क्या है, लाइफ टाइम कर देते हैं। तो अगर लाइफ टाइम जितना बॉस टाइम हुआ होता है वो पूरा आ जाता है लास्ट, जैसे कि 2 साल पहले का भी दिखा देगा वो टोटल, जहाँ जब से आपने चैनल बनाया है तब से, है ना। तो ये नहीं करना होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी जगह आपको लास्ट 365 डेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि लास्ट 365 डेज का, यानी कि मतलब कि 1 साल पीछे का है बस, है ना। तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको बॉस टाइम यहाँ पर शो होगा एंड अब बिल्कुल आर्थ में शो होता है YT Studio में बॉस टाइम, वो आपका रियल वॉच टाइम होगा जो कि मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। तो इस तरीके से आप चेक करें, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए कितना कंप्लीट हुआ है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से वॉच टाइम चेक कर सकते हैं लास्ट 1 ईयर का, और यही वॉच टाइम एग्जैक्ट होता है मोनेटाइजेशन के लिए। सो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।